वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और ऐसे में दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया जाएगा। मंत्री गोपाल राय विश्वास नगर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और ये सीधी तस्वीरें भी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे जहां पर इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि आज से ही इस अभियान की शुरुआत करनी थी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने विश्वास नगर से अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को केंद्र में रखकर ही लोकसभा कैंपेन की शुरुआत की गई है। लोकसभा कैंपेन इसी लिहाज से इसी स्लोगन के साथ में, इसी नारे के साथ में आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने आज इस कैंपेन की शुरुआत की है। इसका नारा कल ही दिया गया था, नारा था जेल का जवाब वोट से, और इसी को केंद्र में रख के आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में मैदानी जंग में उतर रही है। दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से अरविंद केजरीवाल को चुना, जिसे मोदी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। आज से यह अभियान शुरू हुआ है कि अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि काम करने वाला मुख्यमंत्री बाहर आए जेल से, तो दिल्ली के लोगों के पास एक ही रास्ता है कि इस जेल का जवाब वोट से दें, झाड़ू की चोट से दें। इसलिए आज से दिल्ली के अंदर ये नारा गूंजेगा, झाड़ू की चोट से जेल का जवाब वोट से। और इसी अभियान के तहत आज से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ है पूरे दिल्ली के अंदर, और हम घर घर जाएंगे। पूरा दिल्ली वाला अरविंद केजरीवाल बन करके, जिसके लिए अरविंद ने काम किया है, इस चुनाव में सभी लोग अरविंद के लिए काम करेंगे। ये आज के डोर टू डोर अभियान का मकसद है। तो गोपाल राय को आपने सुना, डोर टू डोर तरीके से ये अभियान चलाया जाएगा। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, अब इस अभियान की भी शुरुआत, कैंपेन की भी शुरुआत, और केंद्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही, यानी कि आपका सीधा संदेश है कि भले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया हो, लेकिन अपने कैंपेन के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से लोगों के बीच ही रखेंगे उन्हें। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज से जेल का जवाब वोट से नारा देते हुए अपने कैंपेन की शुरुआत की है, और घर घर जा करके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंपेन है वो आगे चलेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसके बदले में वो जेल का जवाब वोट से दें। और ये अपील आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने कुलदीप कुमार, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्हें देखिए किस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता के बीच में जाएं और बताएं कि जेल का जवाब वोट से जनता देगी। और दिल्ली की जनता से वो लगातार अपील कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दें, क्योंकि वोट की जो चोट होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। और यही वजह है कि आप देखिए घर घर जा रहे हैं, घर घर जा करके कैंपेन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जेल का जवाब वोट से दें। और कोशिश यही है कि इस कैंपेन के जरिए कहीं ना कहीं जनता को ये बताया जाए कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो पूरी तरह से गलत है। क्या कहेंगे कुलदीप जी? आज हमने घर घर अभियान की शुरुआत की है और जेल का जवाब वोट से, झाड़ू की चोट से जेल का जवाब वोट से। आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल में डाला है, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम दिल्ली के लोगों को किया, आज उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है। दिल्ली के लोग अपने वोट से उसका जवाब देने का काम करेंगे। दिल्ली के लोगों में बहुत रोष है। अब की बार जब से अरविंद केजरीवाल जेल में डालने का काम किया है, ये चुनाव दिल्ली के लोगों के दिलों का चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली के लोग खड़े हुए हैं। और 25 मई को अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर है, वो प्रचार तो कर नहीं सकते हैं, अब दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता उनका स्टार प्रचारक बनके प्रचार करेगी। कुलदीप जी, अगर बात की जाए तो आप लोग आज से घर घर जा करके
ये नारा दे रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से। इस कैंपेन की शुरुआत भी आज से हो गई है, क्या कहेंगे, कितना लोगों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, लोगों में बहुत रोष है इस बात को लेकर कि वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता के दिन रात खड़े रहते थे, उनको षड्यंत्र के अंदर फंसा कर किस प्रकार जेल में डालने का काम किया। अगर आज वो जेल के अंदर है, वो प्रचार नहीं कर सकते तो दिल्ली के लोग प्रचार करेंगे और झाड़ू की चोट से अब की बार जेल का जवाब वोट से दिल्ली अंदर देने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गलत है। और आप देखें तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा करके ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है और उन्हें साजिशन जेल में डाल करके जो चुनाव प्रचार है उससे उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये विश्वास नगर का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए ये गली नंबर 13 है जहाँ पर कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जनता से अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है और जेल का जवाब वो वोट से दें, क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती है। और जिस तरीके से आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि इस अभियान की शुरुआत जो है वो दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने की है और गोपाल राय भी विश्वास नगर में कैंपेन कर रहे हैं और इस अभियान की शुरुआत करने के बाद वो जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि लोकसभा चुनावों का प्रचार जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जो नारा दिया गया है जेल का जवाब वोट से, उस अभियान की शुरुआत, उस अभियान का बिगुल आज से फूंक दिया गया है। निश्चित रूप से बलराम, और इसके बाद में अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ही ज्यादा सक्रिय है तमाम नेता आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए किस तरीके से लोगों के बीच रखना है, इस कैंपेन का मुख्य मुद्दा है। ऐसे में बलराम, अगर हम चुनावों के लिहाज से बात करें तो चुनाव में भी जो केंद्र बना हुआ है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही बनी हुई है, यानी कि तमाम जो काम किए गए हैं सरकार की तरफ से बीते कार्यकाल में, उसके साथ साथ अब जो मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर वोट की अपील है वो फिर गिरफ्तारी ही सिर्फ। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की पूरी यही कोशिश है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो किस तरह से गलत है और जनता को ये बताया जाए, और इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस अभियान के तहत जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है और इस गिरफ्तारी का वो विरोध करते हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता अपने वोट से जवाब दे। और देखिए इस वक्त हम विश्वास नगर में मौजूद हैं जहां पर कुछ लोग मौजूद भी, हम उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के यहां पर लोगों से अपील की जा रही है। हम कुछ नहीं कह सकते सर इस बारे में, क्या कहेंगे, आपके नेता आपके बीच में आए हैं, नेता अपना काम कर रहे हैं, नेता और क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो भी अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन मनाकर बैठे हैं कि उन्हें क्या करना है। और जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगी बहन जी, आप लोगों के बीच में आपके नेता आए हुए हैं और बता रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से। जी जरूर, देखिए जिस तरह बीजेपी ने, जो मोदी सरकार ने जो तानाशाही दिखाई है उसका जवाब हमें वोट से ही देंगे, कि पता है केजरीवाल सरकार ने इतनी हम लोगों को, गरीब इंसानों को फ्री स्कूल करवाए हैं और स्कूल की इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई, हॉस्पिटल करवाए, फ्री बसेस करवाई, इतने सारे हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे स्कीम दी है, वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए और आम इंसान के लिए भी, उसका जवाब हम सिर्फ वोट से देंगे और ऐसे ही उनको इस बार हम लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे, ये हमारा है। अब तो 1000 रुपये देने का भी ऐलान कर दिया आप लोगों को। महिला सबसे बड़ी शक्ति है, महिला शक्ति तो 1000 रुपये महीना हम लोगों को सबसे बड़ा ये है, फाइनेंशियल मिल जाएगा 1000 रुपये महीना, नहीं तो किसी नेता ने आज तक कभी सोचा किसी महिलाओं के लिए
किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि एक विचारधारा है, विचारधारा को कोई भी नहीं बदल सकता। अब एक विचारधारा हर एक इंसान के अंदर जागृत है और ऐसी ही बढ़ चढ़ के बड़े हिस्सा लेगी। आप बताइए आप क्या कहेंगी, आप तो अपने इलाके में स्लोगन लिखा हुआ कहा जाए पंपलेट भी लिए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल की फोटो भी लेकर के घूम रही हैं, क्या कहेंगी? जेल का जवाब वोट से ये नारा दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये बिल्कुल सही है, हम जेल का जवाब वोट से ही देंगे, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जैसा नेता कोई नहीं है। उन्होंने हर किसी के बारे में सोचा, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो धरती से जुड़ा हुआ हो, जो आम जनता के बारे में सोचे। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ बड़े बड़े वादे करे, ना कि उन्हें कोई फॉलो करे, ना उस पर कोई काम करे। इसलिए सिर्फ हम यही चाहते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी पूरे बहुमत के साथ, इज्जत के साथ बाहर आए और वो पूरा इस बार का इलेक्शन जीते। तो आप देख सकते हैं जनता अपनी राय बेबाकी से रख रही है, और खास तौर से जो महिलाएं हैं जिनके लिए उन्होंने फ्री बस सेवा की है, इसके अलावा 1000 रुपए उन्हें प्रतिमाह देने की बात कही है, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं प्रभावित हैं। और आपने देखा महिलाएं किस तरीके से अपनी बात को बड़ी निश्चित रूप से बलराम, यानी कि हर वर्ग को जो साधने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं पूरी भी होती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी तस्वीरों